नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी .com देख रहे हमारे सभी दर्शकों का और उनके परिवार वालों का स्वास्थ्य एकदम बढ़िया ही होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं सिख धर्म के चौथे गुरु के बारे में, यानी गुरु रामदास जी के बारे में। गुरु रामदास जी का जन्म 9 अक्टूबर 1534 ईस्वी को हुआ था। वे सिखों के चौथे गुरु थे। इन्होंने अमृतसर नामक शहर की स्थापना की थी और इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रकाश पर्व या गुरु पर्व मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि अमृतसर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं गुरु रामदास और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। गुरु रामदास जी को गुरु का पद किसने दिया? गुरु रामदास जी के बचपन का नाम जेठा था। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1534 को चूना मंडी में, जो अब लाहौर में है, वहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम हरिदास और माता का नाम अनूप देवी जी था। गुरु रामदास जी का विवाह गुरु अमरदास जी की पुत्री बीबी बानो से हुआ था। जेठा जी की भक्ति भाव को देखकर गुरु अमरदास ने 1 सितंबर 1574 को गुरु की उपाधि इन्हें दे दी और इनका नाम बदलकर गुरु रामदास रख दिया। यानी रामदास जी ने सिख धर्म के सबसे प्रमुख पद गुरु को 1 सितंबर 1574 में प्राप्त किया था और इस पद पर वे 1 सितंबर 1581 तक बने रहे। इन्होंने 1577 में अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी और आगे चलकर यही अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु रामदास जी ने सिख धर्म के लोगों के लिए विवाह के लिए अनंत कराज के चार फेरे यानी लावा की रचना की थी और सिखों को उनका पालन और गुरमत मर्यादा के बारे में बताया। यानी गुरु रामदास जी ने सिख धर्म के लिए एक नई विवाह प्रणाली को प्रचलित किया। गुरु रामदास जी ने अपने गुरुओं के द्वारा दी गई लंगर की प्रथा को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने पवित्र सरोवर संतोष सर की खुदाई भी आरंभ करवाई थी। उन्हीं के समय में लोगों से गुरु के लिए चंदा या दान लेना शुरू हुआ था। इतने अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होने के कारण सम्राट अकबर भी उनका सम्मान करता था। क्या आप जानते हैं कि सम्राट अशोक ने गुरु रामदास जी के कहने पर एक वर्ष तक पंजाब में लगान नहीं लिया था? उनके गीतों में से एक लावन गीत है जिसे सिख विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है। गुरु हर मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की नींव भी इन्हीं के कार्यकाल में रखी गई थी। इन्होंने स्वर्ण मंदिर के चारों ओर की दिशा में द्वार बनवाए थे। क्या आप जानते हैं कि इन द्वारों के अर्थ क्या हैं? इन द्वारों का अर्थ ये है कि ये मंदिर हर धर्म, हर जाति और हर लिंग के व्यक्ति के लिए खुला है और कोई भी व्यक्ति यहाँ कभी भी किसी भी वक्त आ जा सकता है। गुरु रामदास जी ने धार्मिक यात्रा के प्रचलन को भी बढ़ावा दिया था। क्या आप जानते हैं कि गुरु रामदास जी ने अपने कार्यकाल के दौरान 30 रागों में 638 भजनों का लेखन किया था और इनके 31 अष्टपति और 8 वारा हैं जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित हैं। गुरु रामदास जी ने अपने सबसे छोटे बेटे अर्जुन देव को पांचवें नानक की उपाधि सौंपी। यानी इन्हीं के बाद गुरु की गद्दी वंश परंपरा में चलने लगी। 1 सितंबर 1581 को गुरु रामदास जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि गुरु रामदास जी एक महान गुरु थे जिनके जन्मदिवस पर प्रकाश पर्व या गुरु पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, हिंदी में वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि देशों विदेशों में रह रहे हमारे जितने भी फैंस हैं उन्हें पंजाब के बारे में, पंजाब की धरती के बारे में, पंजाब के वीर योद्धाओं के बारे में और तमाम पंजाब की जितनी भी संस्कृति है उसके बारे में बड़ी आसानी से हिंदी भाषा में जाना जाए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए अपने पंजाबी .com पर। धन्यवाद।